दोस्तों आज हम इस चैनल पर न्यू एनिम सीरीज के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार है। आपको एनिम बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में एक नरेटर आवाज आती है। इस वर्ल्ड में बहुत सारी आधुनिक शक्तियां हैं जो कि अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, इसलिए इनको पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल है। इनमें से कुछ इंसान के साथ रहना चाहती है, मगर कुछ शक्तियां इंसान का काटना चाहती है। क्या शक्ति वाली दुनिया में इंसान बचा पाएगा? क्या ये लोग पर्स लड़ पाएगा? उसके साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें दो ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि एक केस पर बात कर रहे होते। उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हें इस केस के बारे में बाद में बताता हूँ, पहले मैं छोटा सा केस को सॉल्व करता हूँ। उसके साथ ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। इनका नाम याओ होता है और उनको एक यहाँ पर चोरी के जुर्म पर लाया गया होता है। और उसके साथ वो ऑफिसर कहता है, ए बच्चे, तुम तो पढ़े लिख रहे हो, फिर तुम वहाँ पर चोरी करने के लिए क्यों गए थे? उसके साथ ही याओ कहता है कि सर, मैं कितनी दफा बताऊँ, मैं वहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं गया था। मैं वहाँ पर अपने दोस्त को ढूंढ के गया था जो कि 15 दिनों से गायब है और उसकी अभी तक कोई खबर नहीं है। तो उसके साथ ही वो दोस्त ऑफिसर कहता है, तो अच्छा तुम वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करे गए थे, तो हम क्या, हम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए बैठे हैं? क्या तुम हमें बता नहीं सकते? तुम अपने दोस्त का मिसिंग केस हमें नहीं देते तो हम लूट लेते ना? उसके साथ वो ऑफिसर दूसरा ऑफिसर को चुप करवाता है और याओ से कहता है, बच्चे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर तूने ऐसी गलती दोबारा से की मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। चलो यहाँ पर साइन करो, यहाँ से रपा दपा हो जाओ। और याओ यहाँ साइन करके वहाँ से चला जाता है। और उसके साथ हम देखते हैं वो पहला ऑफिसर दूसरा ऑफिसर से कहता है कि क्या तुम्हें शैडो गेम के बारे में पता है? उस मिस्ट्री गेम खेल के 9 लोग मिसिंग हो चुके हैं और इसके लिए एसबीआई खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रही है। और उसके साथ ही पहला ऑफिसर कहता है कि आखिर शैडो गेम है क्या? जिस पर वो दूसरा ऑफिसर कहता है कि ये एक तरह की गेम है, मोबाइल पर एक मैसेज शो होता है और फिर बंदा इस मैसेज को पढ़ता है तो उसके बाद वो लापता हो जाता है। उसके साथ ही पहला ऑफिसर कहता है कि चलो हमें क्या, एसबीआई अपने काम कर रहे हैं ना, हम भी अपने काम करेंगे। और उसके साथ ही वो ऑफिसर याओ के डॉक्यूमेंट को दोबारा से चेक करता है तो उसको कुछ अजीब नजर आता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और उसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें घर को दिखाया जाता है। इनके अंदर हमें कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है, इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। और उसके साथ ही हमें याओ को दिखाया जाता है। वो दोबारा से उस घर की तरफ आ जाता है और वो कहता है कि मेरे दोस्त लापता हुए 15 दिन हो गए है, मुझे इसे ढूंढना ही होगा, मैं इस तरह चुप नहीं बैठ सकता। इतने दिन हो गए, उन्होंने कॉल और मैसेज अभी तक नहीं किया है, मुझे पूरा यकीन है आखिर दफा के लिए यहाँ पर ही आया था। उसके साथ ही हम देखते हैं कुछ गार्ड्स को और इनके पास आने लगते है, जिसको याओ देख लेता है, वो चुप लेता है। और वो सब लोग जाने के बाद याओ घर के अंदर जाता है और उसके साथ कहता है आखिर लोकेशन यहीं पर थी, जाए कुछ भी हो जाए वो वहीं पर ही मिलेगा। एक कहकर वो अब टॉर्च को ऑन करके इधर उधर ढूंढने लगता है और उसके साथ वो जा ही रहा होता है तो उसको उनके पैर के नीचे एक नेकलेस मिल जाता है। तो इसे देखकर वो कहता है कि ये तो मेरे दोस्त का है, ये नेकलेस को अपने पास हर वक्त रखता था, मतलब वो यहाँ पर ही आया था। उसके साथ ही हम देखते है एक गार्ड्स को याओ की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर याओ चुप जाता है। हम देखते हैं उस गार्ड की फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है। और उसी के साथ ही हम याओ को देखते है, जाए यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो मैं यहाँ पर अपने दोस्त के बिना नहीं जाऊंगा। उसके साथ दोबारा से कहता है, ये दरवाजा कहाँ से आ गए और वो गार्ड कहाँ गया? और हम देखते हैं कि याओ उस गुफा दरवाजे के अंदर जाने लगता है। उसे देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसके अंदर सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा होती है। और फिर हमें याओ को अपने मास्टर के बाद याद आती है, जिन्होंने उसे कहा था तुम किसी भी मुसीबत में हो तो इस लाइकेट को इस्तेमाल करो, ये तुम्हारा रास्ता दिखाएगा और उसके साथ तुम्हें बहुत ही पावर भी देगा, मगर ये पावर कुछ ही देर के लिए होगा। उसके साथ ही हम देखते है वो अपनी लॉकेट के पावर को यूज करता है, वो चीज याओ को रास्ता दिखाने लगता है, जिसे याओ उसके पीछे करता है और वो चीज उनको एक कमरे के बाहर ले आती है। याओ उस कमरे में देखता है तो वहाँ उसी गार्ड को देखता है जो खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे लगता है कि उसे किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। और उसके साथ ही हम याओ को देखते हैं उसकी तरफ एक पत्थर फेंक देता है, जिसे उस गार्ड के हाथों से वो चाकू नीचे गिर जाता है। और उसके साथ ही वो गार्ड कहता है, मुझे बचाओ, मुझे खुद पर नहीं कंट्रोल नहीं है। ये सुनते ही याओ फौरन उस चाकू को पकड़ लेता है और उसके साथ ही हम देखते है उस गार्ड याओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही हम देखिए याओ के उस नेकलेस एक्टिवेट हो जाता है, जिसे वो गार्ड वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। उसके साथ कहता है, क्या इसको सच में मेरी मदद चाहिए थी या फिर झूठ बोल रहा था? उधर उधर देखने लगता है उस गार्ड का फोन नजर आ जाती है, जिसे वो देखता है तो उस फोन में शैडो गेम का मैसेज आया होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान होता है। और उसके साथ ही कहता है, और कहीं मेरे दोस्त भी इस गेम के चक्कर में नहीं आया है ना? तभी वो ये सब सोच रहा होता है, उनके सामने एक चीज गुजरते हुए दिखती है, जिसे वो देखकर पूरी तरह से डर जाता है। उसके साथ ही वो अपनी लॉकेट का पावर को यूज करने लगता है, वो अचानक से फ्रीज हो जाता है, जिसके साथ ही उनके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, अगर तुमने अपनी दोस्त बचाना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा। उसके साथ ही हम देखते है कि याओ को एक चीज ने पकड़कर ले जाती है। तो गाइस हमारा एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं।